हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इन टॉपिक्स की, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो हमारे मटेरियल अवेलेबल हैं स्टैट प्रो में वो हैं आरसीसी, स्टील, एल्युमिनियम, टिम्बर। बट इसके अलावा अगर कोई और मटेरियल आपको चाहिए तो वो कैसे बनाएंगे? ग्रुप स्पेसिफिकेशन, आपको एक स्ट्रक्चर को ग्रुप्स बनाने हैं स्ट्रक्चर के, यानी कि जब मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर का अलग ग्रुप, सेकंड फ्लोर का अलग ग्रुप, और किस काम आता है वो बताएंगे, और फिर लोडिंग में क्या क्या लोड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले से बना हुआ एक मॉडल है, इसी को ले लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका मटेरियल स्पेसिफिकेशन। देखिए यहाँ पे इसमें कोई मॉडल नहीं बना हुआ, चलिए एक लाइन बना लेते हैं। एक ये मेंबर है मान लीजिए, और हमें एक नया मटेरियल डिफाइन करना है। तो आप जाएंगे यहाँ पे जनरल पे, जन के बाद यहाँ पे देखिए मटेरियल, ठीक है। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद मटेरियल की प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मटेरियल देखिए पहले से गिवन है हमारा स्टील, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ एक बार स्टील पे। तो देखिए स्टील के पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं स्टील की, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और कंक्रीट। इसी तरह मान लीजिए मेरे को कोई मटेरियल बनाना है, मान लीजिए रबड़ बनानी है, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पे डाला टाइटल रबर। और रबर की जो प्रॉपर्टी है गूगल से या किसी बुक से आपको जहाँ से भी मिले वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें डालनी है और ओके करना है। तो यहाँ पे एक रबड़ आ जाएगा, फिर इसको हमें जिस पे भी चाहे हम डिफाइन इसको असाइन कर सकते हैं। ये देखिए रबड़ बन चुका है। अगर हम रबड़ के सारे प्रॉपर्टी गूगल से बुक से ढूंढ के इसमें डाल देंगे तो रबड़ की तरह रिएक्ट करेगा। तो यही आपका मटेरियल स्पेसिफिकेशन। ये हो चुका है। नेक्स्ट आपका ग्रुप स्पेसिफिकेशन, उसके लिए एक मैं फ्रेम बना लेता हूँ, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक जॉइंट बनाया मैंने, जॉइंट को क्लोज किया। देखिए मैंने एक जॉइंट बनाया पर दिखाई नहीं दे रहा है वो, तो उसे दिखा देखने के लिए शिफ्ट प्लस के, देखिए आ गया। और ये नोट कर्सर है, हमने इससे उसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेटर टूल, कुछ हमने मेंबर्स बना लिए लिंक करके। अब इनको सेलेक्ट करके जेड में बना लिया। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके हाइट दे दी, एक टॉल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ केवल वाई में। जैसे कि ये बिल्डिंग है, आप चाहते हो बिल्डिंग का कुछ पार्ट सिलेक्ट करना, जैसे कि इतने ही पार्ट को सिलेक्ट करना है, उसमें बार बार आपको सिलेक्ट करने के व्यू में जाना होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, व्यू, जैसे कि ये सिलेक्ट किया मैंने और मुझे इसमें काम करना है जो सिलेक्ट किया पार्ट, तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करा मैंने न्यू व्यू और ओके कर दो। यहाँ पर डिस्प्ले द व्यू एक्टिव विंडो, ओके। देखिए जो सिलेक्ट है वो दिखाई दे रहा है, सब हाइड हो गया। फिर इसमें हम काम कर सकते हैं और इस आइकन से फुल स्ट्रक्चर आ जाता है। मान लीजिए मुझे इस वाले फ्लोर पे काम करना है, तो फोर सेलेक्ट किया मैंने, देखिए 3D में सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक न्यू व्यू, ये फ्लोर, इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं और फुल स्ट्रक्चर इससे आ जाएगा। तो इसी तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, हमें बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, वो हो नहीं पाता, माउस से गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार ग्रुप बना लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको बना रहा हूँ ग्रुप, ये इसको इतने को ग्रुप बना लेता हूँ इनर पार्ट के नाम से, ठीक है इतने को। तो कंट्रोल प्लस जी प्रेस किया मैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वो पार्ट जिसको ग्रुप बनाना है इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कंट्रोल जी प्रेस किया और यहाँ पे इसका टाइटल डाल दिया इनर पार्ट, इसमें स्पेसिंग ये अलाउ नहीं करता। और ये किस चीज़ का इनर पार्ट, बीम्स का, और ओके कर दिया। तो ये विंडो आ गई, देखिए इनर पार्ट बीम्स यहाँ बन चुका है, लेकिन इसे असाइन भी करना होगा। एसोसिएट करोगे तो ये जो टाइटल है इस सिलेक्ट पे चला जाएगा, ये हो गया।
इसी तरह मुझे बनाना है ये राइट कॉर्नर, तो क्रिएट किया मैंने, इसको लिखा RIGST राइट, और इसको ले लिया बीम्स, ओके ये आ गया। अब मैंने राइट कॉर्नर को सिलेक्ट किया और इसको एसोसिएट कर दिया, क्लोज। अब हमें सिलेक्ट करना है इनर पार्ट, तो हम जाएंगे सिलेक्ट टूल बाय ग्रुप नेम, और इनर पार्ट पर क्लिक किया तो इनर पार्ट सिलेक्ट हो गया, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कॉर्नर पार्ट सिलेक्ट हो गया, इस पर से हटाता हूँ तो ये। तो इस तरह से हम बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये था आपका ग्रुप स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका लोडिंग, तो लोडिंग की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं एक एक करके लोड। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।